तुलसीदास जी ने सदगुरु को भी तीर्थराज कहा है। सदगुरु के सानिध्य में बैठकर भी आध्यात्मिक ताप मिट जाता है। आध्यात्मिक ताप मतलब मन जप में न लगना, मन आध्यात्मिकता में न लगना, मन जगत की वस्तुओं में, जगत के भोगों में, जगत के पदार्थों में ही लगे, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ताप। मन उपासना में नहीं लगता है, परंतु सदगुरु के सानिध्य से ये ताप स्वाभाविक मिट जाता है। क्योंकि सुखदाई शीतल हृदय, गुरु का हृदय सुखदाई है और शीतल है, वहां कोई ताप नहीं है। तो ऐसे गुरु की मौजूदगी, ऐसे गुरु की दृष्टि, वो हमारे अंदर से भी इस ताप को दूर करती है। इसलिए कहा सुखदाई शीतल हृदय, देखत शीतल नयन। गुरु देखते हैं तो शीतल नयनों से देखते हैं, जिन नयनों में, जिन आंखों में कोई ताप नहीं है द्वैत का, अज्ञान का, अविद्या का, ऐसी परम पावन आंखों से गुरुदेव सत्संगियों को निहारते। उनकी आंखों में निरीक्षण नहीं होता, उनकी आंखों में करुणा होती है, रुजुता होती है, अद्वैत होता है। उनके वचन सुनने से, उनके दर्शन करने से हमें एक शक्ति प्राप्त होती है। औरों को देखो ना तो शक्ति जाती है, पर सदगुरु के दर्शन करो तो शक्ति आती है। इसलिए उन्हें निहारने से अच्छा लगता है, तो एक आध्यात्मिक ताप मिटता है। क्योंकि फिर पता चल जाता है ना कि मन चंचल तब तक है जब तक आदमी पसंद तो संसार और संसार की चीजों को करता और मन ईश्वर में लगाना चाहता है, पर गुरु के सत्संग से विवेक जग जाता है। इस सदगुरु रूपी तीर्थराज के संग से विवेक जागृत होकर अनित्य का त्याग स्वाभाविक हो जाता है और नित्य में मन स्वाभाविक लग जाता है। फिर और पदार्थ प्रिय नहीं लगते। जैसे छोटा बच्चा है, खिलौने और चॉकलेट तभी तक चाहता है जब तक छोटा है। बड़ा हो गया, अभी आपको हमको कोई चॉकलेट दे तो खुश हो जाएंगे, अभी हमारे आगे कोई खिलौना लाकर रख दे तो अच्छा लगेगा, नहीं वो समय बीत गया। समझ बड़ी। ऐसे ही सदगुरु के सत्संग से विवेक बढ़ता है, समझ सूक्ष्म और पवित्र होती है। गुरु का सत्संग समझ का खुराक है। जैसे अन्न जल दूध शरीर का खुराक है, सत्संग हमारी समझ को पुष्ट कर देता है। फिर व्यक्ति अनित्य से स्वाभाविक ही उपरत हो जाता है। समझ आ जाती है माया का सुख चार दिन, कहां तू गए गवार, स्वप्ने पायो राज धन, जात न लागे वार। स्वप्ने में कोई चीज मिल भी गई, उसको हमसे छूटते देर क्या लगेगी, आंख खुलने की देर है बस। सपना टूटा वस्तु गई, कहां तू गए गंवार। गंवार आदमी ना समझ होगा, वो इस जगत को जो स्वप्न तुल्य है उसको रहने वाला और सच्चा मानकर इन चीजों को पाने के लिए लालायित रहता है। जीवन में उत्तरायण शुरू होता है सदगुरु की संगति से। आप लोगों ने आज दिन भर तपस्या की, ये क्या है, ये जीवन में उत्तरायण होना है। ऐसा उत्तरायण जिसके जीवन में हो जाता है,
फिर प्रकृति में तो 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन काल होता है। और कहते हैं दक्षिणायन काल में कोई शरीर छोड़े तो उसकी उतनी ऊंची गति नहीं जितनी उत्तरायण काल में शरीर छोड़ने वाले की ऊंची गति होती है। जैसे भीष्म पितामह को तीर तो बहुत दिन पहले लग गए थे, पर उत्तरायण काल का इंतजार किया कि आज का दिन आए ताकि मैं शरीर छोड़ के जाऊं। उत्तरायण काल में शरीर छोड़ के जाता है तो ऊंची गति होती है। अब भीष्म पितामह कोई साधारण आदमी तो थे नहीं कि दक्षिणायन काल में शरीर छोड़ते तो उनकी दुर्गति हो जाती, पर उनको था कि मुझे तो देवलोक जाना है और वहाँ अभी रात है, उत्तरायण का दिन आएगा तो देवताओं की प्रभात होगी तो देवलोक का द्वार खुलेगा, फिर मैं शरीर छोड़ के जाऊँगा। इसलिए भीष्म पितामह ने आज का दिन चुना था यहाँ से दुनिया से विदा लेने के लिए। परंतु जो सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, जप तप और सेवा स्वाध्याय करते हैं, उनके तो जीवन में सदा उत्तरायण रहता है, हमेशा उत्तरायण रहता है। कैसे उत्तरायण रहता है? भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने कहा, अग्नि ज्योति रह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि इस मार्ग में क्या है? अग्नि है। अग्नि मतलब कि अग्नि जलाओ तो आग ऊपर को उठती है, अग्नि को धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच नहीं सकता है, वस्तु को खींचेगा, अग्नि को गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं खींचेगी। तो साधक कैसा हो कि साधक में गुरु भक्ति की ज्ञान की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो कि उसको धरती की कशिश खींचने न पाए, उसकी इंद्रियां अविषय हो जाए, कोई भी इंद्रियां उसके विषय में जाए नहीं, आंख रूप में न जाए, कान संगीत में न जाए, नाक सुगंध में न जाए, जीभ स्वाद में न जाए, त्वचा स्पर्श में न जाए, ये उत्तरायण हो गया। अग्नि ज्योति, फिर ज्योति प्रकाश हो, अंधेरा न हो, शुक्ल हमेशा उजाला पक्ष हो, कृष्ण पक्ष आए नहीं, अमावस्या नहीं आए, आए तो पूर्णिमा आए, अमावस्या नहीं। अग्नि ज्योति रह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति। ऐसा भक्त जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्मलोक को चला जाता है, और ब्रह्मलोक के सुख भोगने की भी इच्छा उसकी न हो तो फिर उसकी मुक्ति हो जाती। तो देखो आज आपने इतनी तपस्या की तो ये संस्कार है ना, ये ऊंचे संस्कार और अच्छा स्वभाव ये कभी नष्ट नहीं होते। शरीर भले नष्ट हो जाए, जब होगा तब होगा। जीवन में उत्तरायण प्रकृति में 6 महीने रहता है, पर सदगुरु की कृपा से साधक में हमेशा उत्तरायण रह सकता है। और ये उसके लक्षण है कि इतनी तपस्या करते हुए घंटों भर बैठे रहे, गुरु कीन कृपा भवत रास गई, मिट भूख गई, छूट प्यास गई, नहीं काम रहा नहीं कर्म, तो भी सौदा सस्ता है। थोड़ी देर तपस्या करके भी अगर आत्मज्ञानी गुरु जिनकी दृष्टि में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, ऐसे गुरु की नज़र पड़ जाए ना तो भी सौदा सस्ता है। भले एक दिन क्या 2 दिन भी बैठे रहें तपस्या करते हुए, फिर भी अगर गुरुदेव की एक नज़र पड़ती हो, जिनके दिल में उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, उस दिल में हमारे लिए जगह बन जाए, तो 2 दिन क्या 2 महीने भी अगर ऐसे बैठे रहना पड़े, सौदा सस्ता है। और मैं मानता हूँ आप जैसे प्यारे सत्संगी भाई बहनों को गुरुदेव से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, आप जैसों के लिए तो गुरुदेव के दिल से आशीर्वाद निकल जाएगा और हमारे जीवन में उत्तरायण हमेशा बना रहेगा। तो शरीर और संसार था नहीं, है नहीं, रह सकता नहीं, पर गुरुदेव हमें उसका अनुभव कराते हैं जो पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। उस ईश्वर का अनुभव बाहर नहीं, अपने अंतर में कराते हैं। गुरु की दृष्टि में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, गुरु स्वयं अद्वैत है। जब ऐसे गुरु के दर्शन हम अपनी इन आँखों से करते हैं ना, तो बड़ा फायदा एक ये होता है कि गुरुदेव के दर्शन करने के बाद हमारी आँखें तो सबकी वही की वही रहती हैं, पर गुरुदेव के दर्शन करने के बाद हमारी दृष्टि वही नहीं रहती, क्योंकि अद्वैत में टिके हुए गुरु के दर्शन भी शिष्य को अद्वैत की यात्रा कराते। जैसे श्री कृष्ण की मौजूदगी अर्जुन को अद्वैत की यात्रा करा गई,
ऐसे ही कृष्ण तत्व को, शिव तत्व को पाए हुए बापू जी की उपस्थिति वो हमें भी अद्वैत की यात्रा कराती है। अरे गुरुदेव की उपस्थिति अभी भले बाहर से देखा जाए तो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, पर फिर भी गुरुदेव भी यहाँ उपस्थित हैं, तभी आप लोग इतने घंटों पर यहाँ शांति से बैठ पाए, नहीं तो नहीं बैठ पाते थे, चल देते कि बहुत देर हो गई, अब हम कब तक बैठेंगे, हम तो जा रहे हैं। नहीं, गुरुदेव की कृपा शक्ति ने आप सबको बिठाए रखा। तो जितना समय गुरुदेव के सानिध्य में बीते, मैं तो कहूँ हमारे लिए उतना अच्छा है। कृष्ण भगवान की उपस्थिति में अर्जुन की जो ऊंची यात्रा हुई, वो आज भगवत गीता पढ़ने वालों की नहीं हो सकती। तो गुरुओं की मौजूदगी बड़ा काम करती है। सुखदेव जी के सत्संग से परीक्षित राजा को लाभ हुआ, कृष्ण भगवान के सत्संग से अर्जुन जी को लाभ हुआ, और पूज्य बापू जी के सत्संग से हम सब साधकों भक्तों को लाभ होता है।